गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम सुरेंद्र यादव, आई बिलोंग फ्रॉम SEM पब्लिक स्कूल उत्रीजपुर सम्मूगंज जौनपुर। आई शैल टीच यू लुकिंग अराउंड क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल का थर्ड पैरा आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। लेट अस डू, आओ करके देखें। ऑब्जर्व पिक्चर फर्स्ट एंड सेकंड इन द पिक्चर्स। फर्स्ट और सेकंड पिक्चर से प्राप्त करें। Children are pulling the buckets from the well। बच्चे जो है खींच रहे हैं, कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। Which shown picture first and second। Can you tell? क्या तुम बता सकते हो? Can you tell the difference in both the picture? दोनों पिक्चर में क्या तुम बता सकते हो? Can you tell both picture what is different? Can you tell in this both picture What is difference both picture? Which word? देखिए, क्या तुम भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम से आप अंतर बता सकते हो या भिन्नता बता सकते हो? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? Which would be easier? इसमें जो क्या है सरल होगा using the pulley, अर्थात जो व्यक्ति पुली से खींचेगा, पुलिंग करेगा, वो इजी होगा। आर नॉट यूजिंग इट्स द लिफ्ट थिंग। तो फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि उसमें देयर आर नॉट पुली। इन दिस फर्स्ट पिक्चर देयर इज नॉट पुली। एंड पिक्चर सेकंड में दिखाया गया है देयर इज पुली। तो लुक अराउंड यू। अब देखो, तुम चारों तरफ देखो। वेयर ऑल डू यू। तुम सभी क्या करते हो और कहां करते हो? Where all do you? See the use of pulleys. List them. तो we look picture second. There are pulley. The children are pulling the bucket from the well. But in the फर्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन आर नॉट पुलिंग द बुकेट फ्रॉम द वेल बिकॉज देयर आर नॉट पुली ऑन द वेल देयर इज द
different from pulleys in the first picture and second picture. With the help of pulley, try and lift various thing as shown in the picture. With the help of pulley, एक पुल्ली की क्या करता है, पुल्ली की मदद से वह क्या करता है, ट्राई करता है, प्रयास करता है, ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग, किसी भी वस्तु को, गंभीर से गंभीर वस्तु को उठाता है, जो सहायता करती है, शोन इन द पिक्चर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हम किसी भी पुली की सहायता से, किसी भी पुली की सहायता से किसी भी वस्तु को हम उठा सकते हैं, अर्थात इजली, आसानी से उठा सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही.